मूवी की शुरुआत में हम बेन नाम के लड़के को देखते हैं। बेन अपनी मिनी वैन में उसकी गर्लफ्रेंड लीना के साथ रहता था। अनफॉर्चुनेटली अब लीना बेन के साथ नहीं रह सकती, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए डाउनटाउन जाना पड़ता है। इसीलिए बेन अपनी गर्लफ्रेंड को उसके सेफ्टी के लिए एक गन देता है। वह उसे बताता है कि तुम्हें हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए इस गन को सोने से पहले अपने साथ रखना चाहिए। लीना अब शहर निकल जाती है और बेन को सभी काम खुद करने पड़ते हैं। हालांकि बेन पूरी तरह से बेरोजगार नहीं है, क्योंकि वो इस एरिया में शिकारियों के लिए प्रोफेशनल गाइड का काम करता है। बेन के एक नोन पर्सन शेरिफ ने उसे बताया कि एक बिलियनियर है जो शिकार करना चाहता है और उसे बेन की सर्विस चाहिए। उस आदमी का नाम मेडिक था और वह बेन को एक दिन में $1,000 देने को तैयार था। बेन खुद बताता है कि उसे एक दिन का इतना पेमेंट कभी नहीं मिला। इसके अलावा मेडिक ने अपने लिए एक गाड़ी भी तैयार की थी, जो कि एक मर्सिडीज बेंज G363 कार थी, जिसकी कीमत $500,000 है। उसके पास एक शेयर स्काउट 308 है। आमतौर पर ऐसा हथियार कोई शिकारी यूज नहीं करता। आगे कोई देर किए बिना बेन और मेडिक तुरंत शहर के रेगिस्तान में चले जाते हैं। वे जिस जगह पे आए थे वो शिकारियों के लिए सबसे अच्छी जगह थी। आमतौर पर प्रोफेशनल शिकारी अपना खाली समय वहाँ स्पेंड किया करते थे। मेडिक वास्तव में एक रेगिस्तानी भेड़ की तलाश में था, जो कहीं और नहीं मिल सकता था। वह एक पॉइंट पे रुक जाते हैं। हंट को शुरू करने से पहले खाना खाते हैं और नॉर्मल सी बातें करते हैं। जैसे ही सुबह होती है, मेडिक जल्दी उठकर बेन और उसके लिए कॉफी बनाता है। वह इस हंट के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर वो दोनों रॉकी हिल जाने के लिए चल पड़ते हैं, जहां आमतौर पे रेगिस्तानी भेड़ होते हैं। चलते चलते मेडक अपनी राइफल से यहाँ वहाँ गोलियां मारना शुरू कर देता है। यह देखकर बेन ने मान लिया कि मेडक एक शौकीन हंटर है, जो इस जगह के रूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, और कंफर्म करने के लिए उसे हंटिंग लाइसेंस पूछता है। मेडक उसका मुंह बंद करने के लिए अपने जेब से कुछ डॉलर निकाल कर बेन को देता है, और वो पैसे बेन के डेली पेमेंट्स में इंक्लूड नहीं थे, जैसे मेडक ने पहले वादा किया था। नतीजा बेन पैसे को मना नहीं करता और वो मेडिक के साथ जितना हो सके उतना बेस्ट सर्विस देने का फैसला करता है। अब तक सब कुछ ठीक चलता है और दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलता। मेडिक ने बेन के इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करना जारी रखा और वो एक जगह पे शूट कर देता है। तभी मेडिक प्राउड फील करता है और सोचता है कि उसने अभी अभी एक रेगिस्तानी भेड़ को गोली मारी है। लेकिन जैसे ही वहां जाके उन्होंने देखा, उसने जिसे भेड़ समझकर गोली मारी थी वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक बूढ़ा चार्ली था। उसके बारे में और बताए तो चार्ली एक लोकल हंटर था, जो हर दिन सामान की तलाश में बाहर जाता था। चार्ली खुद बेन का एक करीबी दोस्त था। इस घटना से बेन शॉक होता है। मेडक को भी बुरा लग रहा था कि उसने एक पल में चार्ली की जान ले ली। वह बेन का वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, जो किसी से मदद मांगने के लिए भाग रहा था। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मेडक उस समय क्या सोच रहा था, लेकिन उसने अचानक बेन की राइफल यूज करके चार्ली के बॉडी पर फायर किया। हेल्प न मिलने के कारण बेन वापस आ जाता है। तभी मेडक उसे बताता है कि चार्ली को अब एक नहीं दो शूटर्स ने मारा है और वो हम दोनों है। वेल, बेन को मेडिक ने फंसाया है और अगर चार्ली के बॉडी की शेरिफ ने जांच की तो इसमें हम दोनों शामिल है, ये अब उसको पता चल जाएगा। बेन ये सुनकर हैरान होता है। मेडिक उसे इस सिचुएशन के लिए तुरंत डील करता है। मेडिक बेन से कहता है कि वह बेन को एक यूनिवर्सिटी भेजेगा और पढ़ने के लिए और खर्च करने के लिए हर साल $3,00,000 देगा, जब तक कि वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि बेन इस ऑफर को मना कर देगा, लेकिन उसके बदले बेन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ कुछ पत्थरों से चार्ली के बॉडी को तुरंत दफन कर देता है। मेडिक और बेन हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और वैसे प्रिटेंड करते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि हम देखते हैं बेन इस डील से खुश नहीं था। इसके लिए वो एक इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिक को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसकी वॉकी टॉकी तुरंत तोड़ देता है। इसीलिए अब बेन को बिना किसी सवाल किए मेडिक जो बोल रहा है वो सब चुपचाप सुनना होगा। शुरुआत में वो उसे उसकी शर्ट पैंट और जूते और अपने पहने हुए डिवाइस को उतारने के लिए कहता है और उसे बिना पानी और खाना खाए ऐसे ही घर जाने के लिए फोर्स करता है। मेडिक ने ये देखा और महसूस किया कि उसे बेन को मारने की जरूरत नहीं है, वो उससे और दोषी बन जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बेन उस एरिया में लगे बिजली के खंभे का पीछा कर रहा था। बेन ने महसूस किया कि ऐसे चलने से वह अपना समय बर्बाद कर रहा है,
अब वो बिजली के खंभे के पीछे नहीं जाना चाहता था और फिर उसने तुरंत डायरेक्शन चेंज किया। उस समय ये कंफर्म नहीं है कि बेन कहाँ जाना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है वह यह समझने लगता है कि उसे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। और ये सच था, बेन ने दो चट्टानों के बीच जंप किया और पत्थरों के पीछे छुपे हुए होल के अंदर चला गया। जाहिर है यह होल चार्ली के छुपे हुए घर की ओर जाता था, जो पहले ही मेडेक का शिकार हो चुका था। बेन ने वहां जाकर कुछ ऐसी चीजें उठाई जिसका वो यूज कर सके, और एक मैप भी था जो चार्ली ने बनाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेन जहाँ से बाहर निकलने वाला था उस जगह को मेडेक ने ढूंढ लिया। फिर बिना किसी देरी के मेडेक केबिन के अंदर आ जाता है और उसे केबिन में आवाज सुनाई देती है। दूसरे शब्दों में बेन का लोकेशन अब सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा मेडेक ने जानबूझकर उस पर कुछ डायनामाइट फेंके। नतीजा बेन के पास बाहर निकलने के सिवा और कोई चॉइस नहीं था। मेडेक बेन को फिर से वेलकम करता है और इस बार बेन को बताता है कि मेरे आंखों से दूर हुए बिना तुम्हें अपने घर जाना होगा। लेकिन फिर भी बेन जितना हो सके बचने की कोशिश करता है, भले ही वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था। बेन अभी भी जानबूझकर वापस चट्टानों में चला जाता है जहाँ वो चार्ली के साथ चिल किया करता था। वहां पर मौजूद सोफे से उसने तुरंत अपने पैरों के तलवों को खराब होने और छिनने से रोकने के लिए पट्टी बांध दी। उसके पैरों पर पट्टी बांधने के बाद उसने दौड़ना जारी रखा ताकि वो मेडेक के द्वारा पीछा किए जाने से बच सके। बेन जल्दी से चार्ली ने तैयार किए हुए मैप को फॉलो करते हुए आगे चलता है, और लकीली बेन की कोशिश वेस्ट नहीं होती क्योंकि इस समय चार्ली ने जानबूझकर एक बॉक्स छुपाया रखा था। उसमें एक गुलेल, कई कंचे और एक मैप रखा था जिसमें पानी का कैन कहाँ पे है ये भी बताया गया था। लेकिन जैसे ही बेन कैन से थोड़ा पानी पीने वाला था, मेडेक जानबूझकर कैन पे गोली मार देता है। इस बार बेन मेडेक को सरेंडर कर देता है और वो उसे दिखाई दे ऐसे ही चलने लगता है। मेडेक जैसे लोगों को दूसरों को तकलीफ देने में बड़ा मजा आता है। इस तरह के दबाव के साथ ये कंफर्म था कि बेन अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकता था और वो एक जगह पे गिर जाता है। बेन मरा या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मेडिक जानबूझकर बेन के आजू बाजू में कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन बेन बिल्कुल नहीं उठता। फिर मेडिक तुरंत उस जगह को छोड़ देता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि बेन की एक सिर्फ चाल थी, क्योंकि मेडिक ने अभी अभी बेन को चलते हुए देखा था। मेडिक बेन की चाल से नाराज हो जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि बेन यहाँ से जिंदा चला जाए। हालांकि ये आसान नहीं है क्योंकि बेन खुद पहले से ही इस जगह के चप्पे चप्पे को जानता है। आप खुद देख सकते हैं कि बेन एक होल में वापस चला गया और रात होने का इंतजार कर रहा है। बिना थकान महसूस किए मेडिक अभी भी बेन का इंतजार कर रहा है जो चट्टानों में छिपा था। वो बेन को आवाज दे रहा है कि वह उसे सरेंडर हो जाए, लेकिन जैसे ही हम जानते हैं बेन इतना बेवकूफ नहीं था। मेडेक को बिना बता चले वो दूसरी जगह से बाहर निकलने में कामयाब होता है। बेन मेडेक की कार के करीब जाने की हिम्मत करता है, फिर वो वहाँ पे थोड़ा वेट करता है और फिर कुछ देर के बाद अपना जैकेट गाड़ी से निकाल लेता है। उस समय मेडेक जो अभी अभी फ्रेश होकर आया था, उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी कार के साथ कुछ अजीब हुआ है। गाड़ी की दूसरी तरफ का दरवाजा प्रॉपर बंद नहीं हुआ था और जो गाड़ी में जैकेट था वो भी मिसिंग था। इसका नतीजा ये होता है कि मेडेक अपनी गाड़ी रिवर्स में लेता है और ये देख बेन गाड़ी के नीचे सो जाता है। बेन वहां से भागता है और उसके पास पत्थरों के पीछे छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेडेक पत्थरों पर डायनामाइट फेंकना शुरू कर देता है। इस बीच लकीली बेन को उसकी गुलेल मिल जाती है और वह सीधा मेडेक को एक निशाने में बेहोश कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेन मेडेक को बंदी बना लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसको शेरिफ के ऑफिस में ले जाता है। वो शेरिफ को ये भी बताता है कि चार्ली का मर्डर छुपाने के लिए उसने मुझे कुछ डॉलर दिए थे। मेडेक को जेल भेजने के लिए इतने सबूत काफी थे और बेन को जेल से रिहा किया जाता है। तभी मेडेक ने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है और वहां जाकर वो किसी से बात करता है कि यहां आकर मुझे लेके जाओ। उसने शेरिफ के ऑफिस में आने से पहले ही कॉल कर दिया था और इसे किसी ने नोटिस नहीं किया। उसने सीक्रेटली अपने स्मार्ट वॉच से अपने आदमियों को कॉल कर दिया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद बेन अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया जो डाउनटाउन में रहती थी। वो इस इंसिडेंट के बाद गाइड का काम नहीं करना चाहता था। बेन को रात में सपना आता है कि मेडेक उसको मारने के लिए उसके घर में आया है और वो घबरा कर उठ जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो इन दोनों के जाने बिना वहाँ आया था।
लेकिन दुर्भाग्य से मेडिक का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि लीना के पास एक गन थी और वो सोने से पहले हमेशा अपने पास रखती थी। अभी मेडिक खुद हेल्पलेसली खड़ा होता है और बेन 3 गोलियां चलाकर उसे मार देता है। मूवी यही एंड हो जाती है।